इल्यूमिनाटी। सालों से दुनिया भर में इसके चर्चे हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट सोसाइटीज और ग्रुप्स में से एक माने जाने वाली इल्यूमिनाटी पर सिंगर मैडोना तक ने एक गाना बनाया है। पर व्हाट इफ आई टेल यू कि इंडिया में भी ऐसी ही एक सीक्रेट सोसाइटी है जो इल्यूमिनाटी से बहुत ज़्यादा पुरानी है और जिसके लिंक्स एक इंडियन एम्परर से है। तो आज एक्सप्लोर करते हैं एक ऐसी थ्योरी जो क्लेम करती है ऐसी ही एक इंडियन सोसाइटी की एग्जिस्टेंस, एक ऐसी सोसाइटी जो 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बुक्स और मूवीज़ में दिखाई जाने वाली सीक्रेट सोसाइटीज़ बिना किसी के सामने आए एक ऐसे मकसद पर काम करती है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन सोसाइटी पर पड़ता है। तो ऐसा क्या मकसद था जिसके लिए इंडिया में सीक्रेट सोसाइटी बनने की गुंजाइश है? आई विल कम टू दैट, पर उसके पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। एक्चुअली काफ़ी पीछे, मोर दैन 2000 ईयर्स। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, जिसके अंडर इंडिया का एक बड़ा हिस्सा था। 275 BCE से लेकर 260 BCE, ये जो टाइम पीरियड था, इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन अशोक ने कलिंगा, जिसमें मॉडर्न डे ओडिशा का मेजर पार्ट आता था, उस पर इन्वेड किया। उसे कलिंगा वॉर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इंडिया के हिस्ट्री में ये वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर्स है, क्योंकि इसमें लगभग 1,00,000 लोगों की जान चले गई। इस ब्लडशेड के बाद एम्परर अशोक को काफ़ी पछतावा हुआ और उन्होंने वायलेंस का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन अशोक सिर्फ वहाँ तक नहीं रुके। एंड इफ लेजेंड इज टू बी बिलीव्ड, अशोक असेंबल्ड अ फ्यू मैन एंड फॉर्म्ड अ क्लैंडेस्टाइन ग्रुप, अ सीक्रेट सोसाइटी। पर इस सोसाइटी में कौन कौन था? 9 लोग। लेकिन कौन थे ये 9 लोग, ये नहीं पता। रिपोर्ट्स इस सोसाइटी को 9 अननोन मैन के नाम से रेफर करती है। बट ये 9 लोग करते क्या थे? ये 9 लोगों को सौंपी गई थी एक एक फील्ड। उस फील्ड की सारी नॉलेज उस पर्टिकुलर मेंबर को डेवलप और प्रोटेक्ट करनी थी, और उसका सारा लेखा जोखा एक बुक में कंपाइल करना था। लेकिन कैसी नॉलेज? सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो अगर किसी गलत हाथों में लग जाए तो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा भी बन सकती है। इस थ्योरी के मुताबिक अशोक चाहते थे कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक नॉलेज उन लोगों के हाथ ना लगे जो उसे मैनकाइंड के अगेंस्ट यूज़ कर सके। तो मतलब 9 फील्ड्स की 9 बुक्स इन 9 लोगों ने कंपाइल की जो किसी और के हाथ नहीं लग सकता था। नाउ द रियल क्वेश्चन इज, व्हाट वर दीज 9 बुक्स अबाउट? द फर्स्ट बुक वॉज ऑन प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, पब्लिक ओपिनियन को कैसे ऑल्टर करना है वो इसमें था, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। द सेकेंड बुक वॉज अबाउट फिजियोलॉजी। इट्स क्लेम्ड दैट दिस बुक टॉक्ड अबाउट हाउ अ ह्यूमन बींग कैन बी किल्ड बाय अ सिंगल टच। एक वाइल्ड क्लेम ये है कि जूडो इसी बुक से उभरा है। इट्स सो फैसिनेटिंग, राइट? द थर्ड बुक वॉज ऑन माइक्रोबायोलॉजी। द फोर्थ बुक वॉज ऑन ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल्स। अनदर वाइल्ड क्लेम मेड इज दैट इन अर्लियर टाइम्स सम टेम्पल्स इन इंडिया वुड रिसीव लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ गोल्ड, और इतने सारे गोल्ड का सोर्स अननोन था। द फिफ्थ बुक ऑन कम्युनिकेशन, बट हियर्स द फन पार्ट, इट इंक्लूडेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन, विच ब्रिंग्स अप द क्वेश्चन, डिड दे हैव द नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस? इट्स अ मिस्ट्री। द सिक्स्थ बुक फोकस्ड ऑन ग्रेविटेशन। द सेवेंथ बुक इज ऑन कॉस्मोगनी। कुछ रिपोर्ट्स कहती है 7th book कॉस्मोलॉजी पे है। द रिमेनिंग 2 books आर ऑन लाइट एंड सोशियोलॉजी। दिस इज क्वाइट अ सिलेबस, राइट? क्या कभी इस सोसाइटी ने अपनी नॉलेज ह्यूमन एडवांसमेंट के लिए रिलीज की? अगर हाँ तो कब और कैसे? 2000 साल से भी ज़्यादा पहले फॉर्म हुई इस सोसाइटी को इतने सालों और सदियों तक आगे कैसे लाया गया होगा, ये सोचने की बात है। कहते हैं कि डेथ, इलनेस या किसी और रीज़न से अगर किसी मेंबर को इस सोसाइटी को छोड़ना पड़ा तो उसका सूटेबल रिप्लेसमेंट लाया जाता था, और ऐसे ही ये सोसाइटी पनपती रही। जो भी सीक्रेट्स इन किताबों में हैं वो सक्सीडिंग मेंबर्स ने प्रोटेक्ट करके रखी। बट हाउ कम दीज थ्योरीज इवन एग्जिस्ट, एंड इफ दिस वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी तो इतनी बातें भी बाहर कैसे आई? 1960 में लुई पॉवल्स और जैकब बियोजी की एक बुक आई जिसमें उन्होंने इस सोसाइटी का मेंशन किया और बाकी डिटेल्स भी एक्सप्लोर की, जिसमें ये 9 बुक्स की लिस्ट भी शामिल है। उन्होंने बुक में ये भी बताया कि जेकोलियो नाम के एक फ्रेंच ऑफिशियल जो कलकत्ता में काम कर चुके थे, उन्होंने इस सोसाइटी की थ्योरी को सही ठहराया था। फिर बाद में इसी थ्योरी के बेसिस पर कुछ बुक्स भी लिखी गई है। इन मेंशंस के बावजूद इस सोसाइटी के बारे में कुछ पक्के तरीके से कह पाना मुश्किल है, और आज भी इस सोसाइटी की सच्चाई एक मिस्ट्री ही है। और अगर ये सोसाइटी सच में थी तो ये क्या आज भी एग्जिस्ट करती है, और इसने किस तरह से हमारी दुनिया को ऑल्टर किया? ये सारे सवाल जहन में आने लाजमी है। और क्या हमें इन सारे सवालों के जवाब कभी मिल पाएंगे? चांसेस आर दैट वी माइट नेवर नो। हाय,
अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। द होल पॉइंट ऑफ अ चैनल इज टू आस्क फन एंड कंपेलिंग क्वेश्चंस, एक्सप्लोर वियर्डर इंट्रिगिंग स्टोरीज एंड डेल्व इनटू सीक्रेट हिस्ट्रीज। सो इफ दैट्स समथिंग यू आर इनटू, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।